हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की कुकिंग आइडिया में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हमेशा ठीक रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए हरे छोले और आलू की बिल्कुल अलग बनने वाली सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। प्याज, टमाटर, अदरक को स्लाइस में कट कर लेंगे। हरी मिर्ची, लहसुन को फाइन चॉप करेंगे। दो बड़े साइज के आलू लेंगे, इन्हें कट कर लेंगे और एक कप हरे छोले लेंगे। तो अब गैस के ऊपर आयरन की कढ़ाई रखेंगे और इसमें 2-3 टेबल स्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। तो जीरा चटकने लगा है, अब इसमें फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें अदरक ऐड करेंगे। अदरक को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसमें स्लाइस में कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का पिंक कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारा पिंक कलर का हो गया, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें आलू ऐड करेंगे और हरे छोले ऐड करेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे लिड से कवर करके 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट के बाद लिड को हटाएंगे और इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब फिर से लिड को हटाएंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। मलाई ऐड करने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फिर से लिड हटाएंगे और सब्जी को चेक करेंगे। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। बस इसमें गरम मसाला और दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। तो बस इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड कर देंगे। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो फाइनली आलू और हरे छोले की सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई। इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस अब गैस की फ्लेम ऑफ करिए और इसके ऊपर फाइन चॉप्ड कीवी, धनिया की पत्ती ऐड करिए और इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए। अब सब्जी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे हरे छोले और आलू की सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। और सच में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।